أي الزاد للسفر الطويل अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार गाइस, व्लॉग बहुत टाइम बाद आया है। कर्नाटक वाले व्लॉग्स के बाद में ये व्लॉग है। तो मैंने बताया था जैसे कि मैं मुंबई जाने के बाद बिजी हो जाता हूँ, तो आज मेरा एक छोटा सा इवेंट बोल लो, या तो मतलब मुझे एज अ गेस्ट बुलाया एक स्कूल में, जो कि एक मतलब इस्लामिक स्कूल है हमारे मेरे ही शहर में मुंबरा में। तो हम मुझे वहाँ पर एक एज अ गेस्ट बुलाया है, तो मुझे एक छोटी सी स्पीच देनी होगी जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ और बहुत डर लग रहा है। कोई नहीं, बिस्मिल्ला करके शुरू करेंगे और जो भी अल्लाह ताला ज़ुबान पे बात लाता गया इंशाल्लाह वो बोलेंगे। और देखते हैं, चलते हैं, अभी देखते हैं वहाँ पे कैसा होता है, क्या होता है, मेरे को पता नहीं। ये मेरा पहला है तो मतलब पहली बार मैं स्टेज पर चढ़कर ऐसे ज़्यादा लोगों के सामने बात करने जा रहा हूँ, तो क्योंकि वीडियो में बात करना अलग होता है और लोगों के सामने लाइव बात करना अलग होता है। तो बस थोड़ा सा नर्वस, मैंने कभी बचपन से भी अभी तक का स्टेज परफॉर्मेंस नहीं किया हूँ, ज़्यादा बहुत डर लगता है। तो चलते हैं अभी और देखते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 11, तो चलते हैं अभी। और मेरे साथ है साकिब स्मार्ट और ये है रहीम। हम जा रहे हैं इसकी रिक्शा में, 10-15 मिनट से स्मार्ट, 10-15 मिनट। गाइस, हम लोग आए हैं एक इवेंट पे। सब बात छोड़ के ये बात पे हम लोग का कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा है कि खाने में क्या होगा। मुझे और रहीम को बहुत ज़ोरदार भूख लगी है। रहीम भूख के मारे यहाँ वहाँ भाग गया रिक्शा छोड़ के। मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ खाने में क्या होगा। हमारी ख्वाहिश है जमदम पुलाव, चीज़ पुलाव, बिरयानी, बट सूत्रों से पता चल रहा है कि स्नैक्स है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, वी आर हियर। ये रहा, ये है वो स्कूल जिसका नाम है इंडियन इस्लामिक स्कूल। यहाँ पर इस्लाम की स्टडी और दुनियावी नॉलेज दोनों मिलती है, तो अच्छी शुरुआत है ये एक हमारे मुमरा के लिए। तो अभी अंदर जाकर देखते हैं, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। चलो घर पे वापस चलो, चलो भाई, चल रहीम घर पे चल। अबे साले, कभी मेरा माफ़ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। तो पहले रेडी है ये, पहले रेडी है भाई। ये नहीं, कैसे दोस्ती है? ये बोले चल भाई, मोटिवेट करना है तो बोले चल चल अंदर नाश्ता करके आइए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो गाइस, We are waiting for royal entry. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
तब इसका भी तकलीफ है इसके लिए हम लोग बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि मेरा इंट्रोडक्शन उन्होंने करा दिया है, तो मैं एक बहुत ही बुरे पास पे था, कुछ लोग शायद जानते भी होंगे। मैं इंस्टाग्राम पर वीडियो वगैरह बनाता था, म्यूजिक वीडियो वगैरह, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे गाइड किया और मैं आज यहाँ तक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई कि मैंने देखा यहाँ पर बच्चे लोग इतने अच्छे से दीनी तालीमात इन लोगों को मिल रही है। और इस स्कूल का और इसके फाउंडर का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्होंने ऐसी तौफीक दी कि उन्होंने ये स्कूल को शुरू किया। और उन माँ बापों का भी जो अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं और अपनी दीन की तालीमात देते हैं, तो पता चलता है कि आपको आप चाहते हैं कि अपने बच्चे भी दीन सीखें। और मैं अपनी बुक के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं जब दीन की तरफ नया नया आया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे जहन में डाला कि मुझे तो हिदायत मिल गई है, लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं, उनको चाहे ज़रूरत हो, उनको भी हिदायत की ज़रूरत है, तो उनको गाइड कर। तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू गाइड किया और अल्हम्दुलिल्लाह ने फिर मुझे बुक लिखने की भी तौफीक दी, तो मैंने बुक लिखा हूँ। और अभी तक मैं 3 बुक लिख चुका हूँ। बड़ा ऑथर तो नहीं हूँ, छोटा मोटा ऑथर हूँ। और आपको वो सारी बुक्स फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पर मिल जाएंगी। और तालीम हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाता है, एक राबित मेरा बिकल लगी, पढ़ो पढ़ो अल्लाह के नाम के जितने तुम्हें बनाया। तो पहला वर्ड जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नाज़िल किया मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, वो था इकरा, जिसका माने है रीड, पढ़ो। तो इससे पता चलता है कि और कुरान में और भी कई मकामात पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है कि इल्म को तरजीह दी है, तो तालीम हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मिल रही है बच्चों को, बहुत ही अच्छी बात है। बस आखिर अलहमदिल्ला गाइस, अभी हम लोग बाहर आ गए और आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने मतलब मैंने छोटी सी स्पीच दिया, मैं नर्वस हो गया था। तो मैंने मतलब सोचा तो था बहुत, मतलब थोड़ा और सोचा था मैं थोड़े और देर तक बात करूँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था क्योंकि सामने बहुत सारे उलमा बैठे थे और ज़्यादा मेरी नर्वसनेस बढ़ गई थी उनको देखकर। तो वही बात है फिर। और अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ का टाइम हो गया है और उसके बाद में देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। तो चलते हैं अभी और मचाते हैं। आयशा दाऊद फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, इज शी प्रेजेंट? आयशा दाऊद फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड। तो यहाँ गए, मैं आ गया हूँ घर पे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे पहले तो उन लोगों ने मुझे बुलाए, मेरा पहली बार था ये कोई स्कूल में मैं जाकर स्पीच दिया, छोटी सी थी और मैं नर्वस भी हो गया था, लेकिन फिर भी अच्छा लगा मुझे। सबसे ज़्यादा तो मुझे वहाँ के बच्चों को देखकर लगा अच्छा लगा। मैंने क्लिप डाला हूँ कुछ व्लॉग्स में, आपने देखा होगा, वो लोग कितने प्यार से, मतलब जो भी उनको सिखाया गया था दीन के बारे में, इतना मतलब हदीस वगैरह पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं, वो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप लोगों ने देखा होगा उन्होंने स्टेज पर बुला के मुझे दिए हैं, तो ये दिए है, देखो ये दिए है। तो उनकी तरफ से मतलब एक सर्टिफिकेट है अप्रिसिएशन का, तो बहुत ही अच्छा लगा। और मैं तो चाहता हूँ कि मुमरा में और पूरे इंडिया में ऐसे और भी स्कूल्स खुले जो सिर्फ दुनियावी नहीं इस्लामी तालीमात भी दें, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, देखो गाइस, मतलब कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लेकिन उन्हें ये परवाह नहीं होती है कि उनके बच्चों को नमाज़ पढ़ने आती है, उनके बच्चों को कुरान पढ़ने आता है, उनके बच्चों को जनाजे की नमाज़ पढ़ाने या पढ़ने आती है कि नहीं, जबकि ये सब बेसिक्स है। वो बस चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बस उनके लिए वही होता है। तो हमें देखना चाहिए कि हमने किस चीज़ को प्रायोरिटी बना के रखा है, दीन को या दुनिया को। कई माँ बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को फजर की नमाज़ के लिए नहीं उठाते ये सोच कर कि उनकी नींद ख़राब हो जाएगी, और वही माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल के लिए 6 बजे 7 बजे सुबह में उठा देते हैं, तब उनकी नींद ख़राब नहीं होती। तो हमें देखना चाहिए कि हम
अफसोस करना चाहिए कि हम किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं, किस चीज़ को हम लोगों ने प्रायोरिटी बना के रखा है। और हमें लगता है कि जो बड़ा से बड़ा बादशाह बन गया, बड़े से बड़ा ओहदा पा लिया, जिसके पास ज़्यादा माल है, जिसके पास ज़्यादा शोहरत है, वो कामयाब हो गया, वही कामयाब कहलाता है। दुनिया का नज़रिया ऐसा ही है ना आज के ज़माने में। लेकिन अल्लाह सुबहानहु व तआला कुरान पाक में फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून, कामयाब होंगे ईमान वाले। तो अल्लाह तो कह रहा है कामयाब होंगे ईमान वाले, तो हम ईमान वाले क्यों नहीं बनते? ईमान वाले कैसे बनेंगे? ईमान वाले हम तब बनेंगे जब हम कुरान को पढ़ेंगे, कुरान का तर्जुमा पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे। बस मुझे जो वहाँ बोलना था मैंने थोड़ा सा यहाँ पे बोल दिया, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था। इंशाल्लाह अभी आगे भी अगर किसी ने बुलाया कहीं और, तो एक बार चले गया ना मैं एक जगह पे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है। तो इंशाल्लाह अगली बार शायद इसे और अच्छा दूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं ये ब्लॉग इसलिए बनाया क्योंकि बहुत टाइम भी हो गया था ब्लॉग बना के, और मैंने सोचा थोड़ा सा स्पेशल मोमेंट है मेरा, पहली बार है कि मैं लोगों के सामने छोटी सी बात रखूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ में ये मोमेंट शेयर करूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारी दुआएँ, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करो बहुत सारी। और बस ब्लॉग देखने के लिए शुक्रिया। जज़ाकअल्लाहु खैरन कतीरा फिद दुनिया वल आखिरा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।